रविवार को रीवा के सिरमौर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न विभागों व स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन और उत्पादों की जानकारी ली। इस अवसर पर सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने गणमान्य जनप्रतिनिधियों के साथ 222 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिरमौर में 24 करोड़ की लागत से सीएम राइस स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास और सभी सुविधाएं होंगी। किसी के साथ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, लेकिन आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने एक जल प्रपात देखा। मैं पूर्वा देखते हुए आया और यहाँ आया तो मुझे बताया कि पूर्वा में तो पानी है लेकिन अगल बगल के खेतों में पानी नहीं। मैंने यही से फोन किया सिंचाई विभाग के एसीएस को और ये निर्देश दिए कि तत्काल सर्वे करके हम ऐसी व्यवस्था करें कि जिसके कारण यहाँ सिरमौर के आसपास अगर ऊंचा है सिरमौर तो सिरमौर है, सिरमौर का ही इससे ऊपर है सिरमौर, क्योंकि सिरमौर सिंचाई में पीछे रह गया, सिंचाई में सिरमौर नहीं रह पाए क्योंकि ऊपर बसे। अब मैं इसका पूरा सर्वे करवाऊंगा और सर्वे करवा के तकनीकी दृष्टि से संभव हुआ तो पानी लिफ्ट करके भी सिरमौर इलाके के गांव में हम सिंचाई का पानी देने का काम करेंगे, ताकि गिरा दे अलग अलग जो क्योंकि नहर बहुती नहर नई गली अलग अलग काम चल रहे हैं हमारे, उसमें सिरमौर का नाम भी तो आए। हम पूरी गंभीरता के साथ काम करेंगे बहन और एक जरूरत है बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाते हैं, सही बात है, अब अंग्रेजी में टिकट पुटर करने लगते हैं, अब अंग्रेजी का जाने दें। अब इस बार एक नया स्कूल जिसका नाम दिया सीएम राइट स्कूल, वो स्कूल सरकार खोल रही है, सिरमौर में भी खोल रही है, इसी जगह बनेगा, 24 करोड़ रुपया में बनेगा, 24 करोड़ का स्कूल बनेगी, 24 करोड़ स्कूल में लाइब्रेरी होगी, प्रयोगशाला होगी, खेल का मैदान होगा, स्मार्ट क्लास होगी और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली से भी अगर कोई लेक्चर दिलवाना हो तो दिल्ली से बोलेंगे, बच्चे सिरमौर में सुन के दिल्ली वाले प्रोफेसर से शिक्षक से पढ़ लेंगे। और प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर ये चलाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बच्चों में भी बुद्धि अलग होती, बुद्धि होती है, अकल होती है, कोई कभी गरीबों के बेटा बेटी अभी नहीं है, केवल सुविधा मिल जाए तो ये गरीब बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं, इसलिए सीएम राइट स्कूल, ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। मुझे लोगों का काफी कांस्टेबल की नौकरी निकलती है, पुलिस में कांस्टेबल बनते हैं, उनमें परीक्षा होती है लिखित, और लिखित परीक्षा जब होती है तो जो ज्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़े बच्चे वो ज्यादा आ जाते हैं, स्कैंडल ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत क्या है, कौन से में तो दौड़ते हैं, भाग चाहिए, सही रचा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए ताकि चोर पकड़े डाकू पकड़े, और इसलिए मुझे इस बात में वजन दिखता और मुझे इसलिए ये लगा कि लिखित परीक्षा के साथ साथ आधे नंबर जो अच्छा दौड़ेगा भागेगा शरीर में जिसके दम होगी उसके रखे जाएंगे, ताकि गरीबों के बच्चे भी कम से कम जांच में तो बन जाए, पुलिस का तो भर्ती हो जाए। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।